अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको इससे बनने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगी, इससे कौन सी चीज़ें बनती हैं। पढ़ें मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौन सा हर्फ है? कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं इससे? शरबत, शेर, शुतुरमुर्ग, शामियाना। अब तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताब निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 44 और 45। ऊपर देखें दो तस्वीर बनी हुई है, इसके मुताबिक हमने अपना काम करना है। रंग भरें और पेंसिल फेरें, ठीक है। ये दो काम हमने करने हैं। ये कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शेर, 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 शलजम, शलजम, शलजम। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर ये नुक्ता लगा हुआ है इधर आपने पेंसिल रखनी है और बिल्कुल आपने एरो की सेम्प में ऐसे बिल्कुल नुक्तों के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है। पेंसिल को मजबूती से पकड़ना है, पेंसिल को इधर उधर आपने नहीं करना। इसी तरह आपने इस श पर पेंसिल फेरनी है। उसके बाद आपने इन तीनों तस्वीर में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर भरने हैं। कलर आपने बाहर नहीं निकालने और कोई भी सफ़ेद जगह नहीं छोड़नी। अगले सफ़े पर जाएं। इस सफ़े पर हमने तीन काम करने हैं, मिलाएं, रंग भरें और पेंसिल फेरें। पहले तमाम बच्चे मेरे साथ पूरा सफ़ा ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे बनने वाली चीज़ों को आपस में मिलाएंगे। शिकारी, दा दरख्त, शेर, शुतुरमुर्ग, सेब, शलजम। अब आपने क्या करना है, इस इश पर पेंसिल फेरनी है, उसके बाद से बनने वाली चीज़ों को आपस में मिलाना है। शिकारी, शेर, शुतुरमुर्ग, शलजम। ये वो तमाम चीज़ें जो शर बनती हैं और हमने सिर्फ उन्हीं को मिलाया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम तस्वीर में आपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग भरने हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, इस पर आपने पेंसिल फेरनी है और जो सफ़े आपको भी पढ़ाए गए हैं, सफ़ा नंबर 44 और 45, यह आपने अच्छे तरीके से याद करना है और जो काम आपको इस पर बताया गया है वो आपने करना है। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।